हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक टू YouTube चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों क्या है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि पॉल शाह को लेकर के कितनी बड़ी न्यूज चल रही है, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है समीक्षा अधिकारी और पॉल शाह को लेकर के। तो अभी अभी पॉल शाह ने अपना वीडियो रिलीज किया, जो उस वीडियो को देखते हो क्या कहा है उसके अंदर, पॉल शाह ने खुद सामने आकर वो कुछ कह रहे हैं। तो चलिए उस वीडियो को देखते हो और फिर जानते हैं पूरी बात क्या है, क्या ये न्यूज सच्ची थी कि समीक्षा अधिकारी और पॉल शाह के बीच में कुछ हुआ और समीक्षा अधिकारी प्रेग्नेंट हो गई। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और जानेंगे पूरी बात। ओके, और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वो आप तक पहुँचा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज पर भी मैसेज करके मुझे दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपना डेस्कटॉप बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए डाटा वेट कर रहा हूँ आप लोगों को, सीधे लेके जाऊँगा आप लोगों को यूट्यूब पे जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगी और शाह ने आगे कुछ कहा है। चलिए देखते हैं, सर्च कर लेता हूं पॉल शाह ऑफिशियल। तो दोस्तों देखिए, पॉल शाह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली हुई है, नमस्कार करके इन्होंने अपने वीडियो का टाइटल डाला हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो को देखते हैं, 2.5 मिनट की वीडियो है और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, 1 2 3 गो। नमस्कार, मैं पॉल शाह। नमस्कार, मैं पॉल शाह। आज जाहिरी परेको ल 3-4 दिन भयो होला र सबैले भन्नु भएको छ किन कहाँ गयो के गयो कस्तो भयो के छ अवस्था। म मेरो अवस्था ठिक छ अहिले, तर ढिलो किन गर्नु गरेको कारण चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु, घर व्यवहार पनि मिलाउनु थियो र मेरो स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति कमजोर थियो र घरमा चाहिँ अब म प्रहरीसम्म पुगेपछि सरेन्डर गरेपछिको अवस्था जे पनि आउनसक्छ नि घरमा होइन, व्यवहार मिलाउनु पऱ्यो किनभने गार्जियन भनेको म एक्लै हो कि घरमा, बुवा मम्मी बहिनी सबै को गार्जियन नै म एक्लो हो, सो सबै मिलाउँदै थिएँ। मेरो यो चाहिँ मेरो आफ्नो घरको कुरा भयो, त्यो त तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा पनि भएन। त्यही भएर चाहिँ म रेस्पेक्टेड नेपाली पुलिस सामु चाहिँ म उपस्थित हुन सकेन, यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। तपाईँ मैले गर्दा कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो परेको छ भने चाहिँ आइ एम एक्सट्रिमली सरी यो लेट भएको कारणले गर्दा। तर आज सन्डे आइतबार चाहिँ म नेपाली प्रहरी सामु चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गर्दैछु र कानुनलाई म गएर सघाउनेछु, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मेरो साइडदेखि भएको कुराहरू चाहिँ राख्नेछु र मसँग भएको प्रमाणहरू पनि दिनेछु र म बेकसुर छु एकदमै, हुन्छ नि पुरै डे वानदेखि नै मलाई फसाउँदै फसाउँदै यहाँसम्म ल्याइएको छ, म त्यो पनि भनेछु सम्बन्धित अदालतमा। ठिक छ, ओके। र मेरो एउटा इच्छा थियो, यो 3-4 वर्षदेखिको एउटा सपना थियो हाम्रो नेपाली फिल्म दर्शकहरूसँग बसेर हेर्ने थियो र मैले सुने अनुसार चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे हिजो अस्ति चाहिँ अति राम्रो बिजनेस गरेको थिएँ, मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ। मेरो सपना चाहिँ थियो तपाईँहरू सँगसँगै बसेर फिल्म हेर्ने, त्यो चाहिँ पुरा भएन र एउटा इच्छा छ मलाई, सायद म अब प्रहरीसम्म गएपछि त्यो सम्भव होला नहोला नहोला पनि, नेपाल कानुनलाई पनि नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एकचोटि चाहिँ यो बिचमा तपाईँहरूसँग बसेर मुभी हेर्नु मन छ मलाई, नेपाली फिल्म मेरै फिल्म महेश देवी दासुदै र मेरो टिमसँग बसेर हेर्नु मन छ अनि त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु र नेपाली फिल्मले माया गर्नुभएको छ र मलाई पनि माया दिइराख्नु भएको छ र अब म आजदेखि चाहिँ सरेन्डर गर्दैछु नेपाली प्रहरी सामु र सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्नेछ त्यसमा म खुसी हुनेछु र यति भन्न चाहन्छु, म बेकसुर छु, म निर्दोष छु। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पूरी वीडियो देखी, वीडियो के अंदर पॉल शाह यही कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, जिनकी बातों से तो लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी स्टोरी, जो भी न्यूज़ में स्टोरी चल रही है वो सिर्फ एक बनावटी न्यूज़ है, लोग उनको बदनाम करने के लिए, उनका करियर ख़त्म करने के लिए उनकी जो मूवी आ रही है माँ यश तो गीत गाओ शो, इस मूवी को फ्लॉप करवाने के लिए, थिएटर से हटवाने के लिए ही ये साजिश रची जा रही है। कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस साजिश में शामिल हैं, पॉल शाह का करियर ख़त्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो यार ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों जलते हो, क्या तुमसे ज़्यादा फेमस होने वाला है क्या है? भाई साहब, अगर आप में हिम्मत है तो डायरेक्ट कंपटीशन दो, आप भी अच्छी अच्छी मूवीज अच्छे अच्छे सॉन्ग रिलीज करो,
कॉम्पिटिशन दो, अच्छी एक्टिंग दो, ये सब ये भेड़ चाले चलने से क्या होगा भाई साहब है। ये तो गलत बात है किसी को ऐसे बदनाम करना, किसी का करियर खत्म करना, किसी के आप कैरेक्टर के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं। क्या इन्होंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? अगर गलत किया है तो सामने से आके बोलो ना, ऐसे पीठ पीछे जाके ऐसी आप लोग साजिश कर रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। पॉल शाह अगर निर्दोष है तो पूरा नेपाल उनके साथ है, पूरा दुनिया उनके साथ है, जो भी इस चीज़ के पीछे है, जो भी रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए। पॉल शाह अगर निर्दोष है तो उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग पॉल शाह के साथ हैं, इतने अच्छे अभिनेता हैं ये, इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने, इतनी सुपरहिट मूवीज उन्होंने दी हैं, बहुत ही सही चीज़ है। और लाइव आकर के इन्होंने जो वीडियो इन्होंने डाली है यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छा किया, लोगों को अच्छा लगा कि पॉल शाह ने सामने से आकर के कुछ कहा, अपनी बात रखी, सच्चाई रखी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच है या गलत है, जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टा या फेसबुक पे मुझे मैसेज कीजिए, उसके ऊपर भी मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आखिरकार में रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, पॉल शाह ने आखिरकार क्या कहा। ओके तो चलिए लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्यार यूँ बरकरार रखिए, मुझे यही सपोर्ट करते हैं जैसे कि मैं ऐसे थी और भी ढेर सारे वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों का शेयर। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इस तरह की धमाकेदार मूवी का, तब तक के लिए।